लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम रशीद साहब, प्लीज कम, प्लीज प्लीज कम सर, आइए सर, इस तरफ। रशीद साहब बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। चौधरी सर बातचीत। आलोक दास की गुजारिश पे मुझे यहां आना पड़ा, वरना अपने डिमांड्स रखने के दूसरे जरिए भी हमारे पास। एक, हमारे जिहादी नावेद रब्बानी की रिहाई, 50 करोड़ की रकम, कश्मीर के गवर्नर का तबादला और कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस फौरन खारिज किए जाएं। चुनाव हरगिज खारिज नहीं होंगे और नहीं तुम अपने गंदे मंसूबों में कभी कामयाब होगे। यह आतंकवाद और हथियारों का खेल तुम्हारी मौत बनेगा रशीद, कश्मीर नहीं मिलेगा तुम्हें कभी नहीं। देखो, पहले तुमने सिर्फ नावेद रब्बानी की रिहाई की बात रखी थी, अब तुम्हारी ये नई नई डिमांड्स को। हमने जिस लड़की के सर पर मौत रखी है वो किसी सरकारी स्कूल के चपरासी की बेटी नहीं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की बेटी है। हम उसके सर की कीमत जानते हैं बखूबी। क्या करोगे इसका? मारोगे? मार दो, मार दो से। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं और नहीं तुम्हारी कोई डिमांड मानी जाएगी। सरकार झुकेगी भी और टूटेगी भी, हम पहले भी ऐसे खेल खेल चुके हैं। पहले भी हमने हिंदुस्तान की सरकार को शिकस्त दी है। 48 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, ना के जवाब में ये भी बता देना कि बेटी की लाश को कहां भिजवाना है हमें। रशीद साहब प्लीज बात तो सुनिए। रशीद साहब संगठन वफाए अल हक और सरकार के बीच चल रही रसाकशी के खेल ने आखिरकार एक रुख ले ही लिया। सरकार ने संगठन की मांग को स्वीकार कर लिया है, वो कुख्यात आतंकवादी नावेद रब्बानी को रिहा करने के लिए राजी हो गई है। सरकार के इस फैसले से जहां आम लोगों को काफी धक्का लगा है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना विरोध जताया है। उनका मानना है कि नावेद को छोड़कर सरकार देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सरकार का ये फैसला आतंकवादियों का हौसला बढ़ा सकता है और वो देश में अपनी गतिविधियां और तेज कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। एक खूंखार आतंकवादी को छोड़ रहे हैं आप। सरकार के इस फैसले ने हमारी पार्टी को कलंकित किया है। आपने देश की जनता को चोट पहुंचाई है चौधरी साहब। यह साइन करो। बस एक चांद की हिफाजत के लिए हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अपनी बेटी के प्यार के लिए आप अपने फर्ज और जिम्मेदारी से हट गए। चौधरी साहब, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सर, जितना मैं आपको जानता हूं, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसा फैसला कर सकते हैं। नहीं अमरजीत सिंह, यह फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। इसमें भी एक चाल है जो मैं इन सबको नहीं बता सकता।
अभी तक ये आतंकवादी हमारे सीने में गोलियां दागकर जमीन के नीचे बड़े बंकरों में छिप जाते थे। मैं चाहता हूं कि इस डील में एक बार वो खुले आसमान के नीचे हमारे सिपाहियों के निशाने पर तो आए। उन्हें नावेद रबानी नहीं, मौत मिलेगी मौत। मैंने पुलिस और आर्मी सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए। और आतंकवादियों पर चलने वाली कोई एक गोली अगर मेरी बेटी के सीने से भी गुजरती है तो कुछ देखी। तभी तक मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी और अब मैंने उसे दांव पे लगा दिया है। दरवाजा खोलो। जी सर। चलो अंदर। अंदर चलो। चीफ की मौत का सौदा नहीं कर सकते। तुम्हें इस वक्त सोचना चाहिए, उसकी जिंदगी के लिए यहाँ इसका जिंदा रहना जरूरी है। नुसरत, ठीक कह रहा है नुसरत, ये वक्त जुनून से नहीं होश से काम लेने का है। हमें जानना चाहिए कि वो चाहता क्या। पता कैप्टन रशीद कहाँ है? मार ले जितना मारना है। वो लड़की तो मरेगी ही, साथ साथ तू भी मरेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बेटे की प्रॉब्लम क्या है। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हमने पूरी की पूरी तैयारियां कर रखी थी। नावेद को उठाकर उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। चौधरी साहब, उसने नावेद को उठाकर आपकी बेटी की जिंदगी बचाई है
और मुझे तो आपका प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। अगर उसने नावेद को उठाया तो क्या उससे दोस्ती करेगा, उसे अपने गले लगाएगा? नहीं चौधरी साहब नहीं, अब तो मुझे लगता है कि अजय अपनी किसी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा। अजय तुझे पता है तो क्या कर रहा है, नावेद को उठा लेने के बाद तूने उन लोगों को और उकसा दिया। अजय अब अनीता की जिंदगी को खतरा और बढ़ गया, वो लोग उसके साथ कभी भी कुछ भी। अनीता को खरोश तक नहीं आएगी, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं नावेद की गर्दन मेरे हाथ में है। अजय तू चाहता क्या है? अलोक, मेरी एक भूल की वजह से मैं सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरे नाम के साथ देशद्रोही जुड़ गया है, मेरी वजह से मेरे बाबूजी का सर शर्म से झुक गया है। अब अगर नावेद उन तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू बता मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बात उन तक पहुंचाए। देख अजय, उनके ठिकानों और कैंप के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, हाँ उन तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब के लिए ये संदेशा है, ये चिट्ठी आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा आदमी ठीक ठाक है, जिंदा है अब तक। मैंने उसे इसलिए उठाया क्योंकि मैं अपनी गलती खुद सुधारना चाहता था। तुम उस लड़की को लेकर सराफा बाजार में आ जाओ, लड़की मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारा आदमी दे देता हूं। आज शाम ठीक 7 बजे अजय कॉल। बाजार से चाय आई है। शक्ति, शक्ति, शक्ति। मुझे इस नंबर पर फोन करो। तुम लोग यहीं रुको, यहाँ नजदीक कोई फोन है भैया? हाँ जी, वो आगे मंदिर के पास।
24 घंटे का वक्त दिया है। अगर तूने उनका आदमी नहीं लौटाया तो इस बार स्कूल की खाली बस नहीं बच्चों से भरी हुई बस उड़ेगी। ठीक है, 24 घंटे में मैं उनका आदमी लौटा दूंगा, लेकिन उनसे कहना अनीता चौधरी को साथ लेकर आए। कामयाब हो गए नावे, हाँ कामयाब हो गए। लाओ मेरे को तो मैं खोलता हूँ उसे। अरे भाई उसने धोखा दिया हमको, धोखा दिया। जल्दी कर, गाड़ी चलने वाली है, जल्दी करो लाओ। अगर मेरी जिंदगी दांव पर लगी होती और उसके बदले में कोई तुम्हें कुछ करने के लिए कहता तो तुम क्या करती? तुम भी वही करती जो मैंने किया। अनीता, ये गाड़ी तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक मैं ना कहूं। Shut up!
छुड़ा मुझे। तो है जी डैड। अजय कहाँ है? मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे सब पता चल गया है। जानते हो तुमने यह गलती क्यों की थी? क्योंकि तुम्हें यह लड़ाई लड़नी थी, और अगर तुम यह लड़ाई हार जाते तो मारे शर्म के मेरा सर झुक जाता। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जीत तुम्हारी होगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अजय, मैं अब भी तुम्हारे लिए कहीं से भी छलांग लगा सकती हूँ।